collection. Bunk collection, basically. I like his style. He's a very style icon. Rohit is the best. राखी देखा जाए तो इस बार इंडिया में सब फर्स्ट कैलेंडर लॉन्च हो रहा है रोहित शर्मा के थ्रू, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं अभी एक्साइटेड हूँ अंदर जाके देखने के लिए कि ऐसा क्या मतलब क्या नया है. एंड अफकोर्स रोहित कर रहे तो नया ही फैशन के बारे में आप ऑलवेज समथिंग डिफरेंट. वॉशरूम भी बनाते हैं तो एकदम डिफरेंट. मेरे बहुत सारे सॉन्ग्स में मैं रोहित को वॉशरूम बनाती हूँ. फैशन के बारे में जहाँ तक जाना जाए आपसे बेहतर कोई ज़्यादा जानता नहीं है, तो आप क्या टिप्स देना चाहोगे जो अपकमिंग मॉडल्स आ रहे हैं, जो भी मॉडल्स लाइन पे वॉक करने वाले हैं, जब उनसे आपकी बातें होगी तो आपसे क्या टिप्स देंगे और क्या बातें करोगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं फैशन तो जो दिल को अच्छा लगे वो पहन लेते हैं. सूट्स यू वेयर इट. कभी कभी होता है कि कभी बहुत अच्छे लेटेस्ट फैशन डिज़ाइनर क्लोथ्स होते हैं, बट समटाइम्स डजंट सूट यू. तो मुझे तो आप बहुत डिज़ाइनर भी पहनती हूँ, कभी बहुत नॉर्मल भी पहनती हूँ. स्पेशली आई लव ऑल ग्लिटरी क्लोथ्स, इट्स माय फेवरेट. हम टोटली शाइनिंग एंड ग्लिटरी क्लोथ्स आई लव. कुछ मंथ पहले आपने क्वांटम का ऐड किया था, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था, तो उसके ऊपर आपको काफ़ी भद्दे कमेंट्स भी आए, तो आपने कैसा रिएक्ट किया उस कमेंट्स के बारे में? काफ़ी आपको मैसेज भी आए होंगे, आपने एक कौन से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो क्या है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. देखिए, पहले तो बहुत सारे सनी लियोनिस को क्वांटम के ऐड मिलते, उससे पहले मुझे मिलते थे, मैं हमेशा मना करती थी. फिर जब विपाशा ने किया तो मुझे थोड़ा जोश आया. तो मैंने कहा विपाशा कर सकती है तो राखी सावंत भी कर सकती है. तो मैंने कहा अब मैं कोई भी ऐड नहीं छोड़ने वाली, ना कांडम की, ना तेल बिस्किट, किसी भी ऐड छोड़ने वाली नहीं. मैं अमित जी की तरह सारी ऐड करने वाली हूँ. फ्यूचर में आप कौन कौन से आइटम सॉन्ग में कुछ लाने नहीं बोला? बहुत सारे फिल्म्स पाइपलाइन में हैं. अब देखिए, फिल्म्स करना बहुत आसान हो जाता है, रिलीज़ करना बहुत मुश्किल होता है. तो जब उनकी रिलीज़ की डेट आएगी तो डेफिनेटली मेरी फिल्म रिलीज़ हो जाएगी. आपने गणपति के टाइम बोला था अब US में रेडियो शो करने वाले हो, क्या कुछ अपडेट है? मेरा वो सब चल रहा है, वीज़ा सब चल रहा है. US में बिजनेस करना इट्स नॉट अ जोक, यू नो. एंड वहाँ पे प्रॉपर वीज़ा लेकर जाना पड़ता है. अगर प्रॉपर वीज़ा लेकर नहीं गए तो सीधा हवाला आ जाए. इसीलिए मैं प्रॉपर वीज़ा जो प्रोसेस है बहुत जोरों पे, बहुत प्रोसेस, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं. एंड बिजनेस वीज़ा इट्स नॉट ए ईजी वीज़ा. आप जो ट्रैवलिंग वीज़ा बहुत आसानी से ले सकते हैं, बट इफ बिजनेस वीज़ा नानी याद आ जाए. बिग बॉस की फैशन डिजाइनर है, आपकी कभी फ्रेंड भी हिना खान भी फ्रेंड? हिना भी मेरी फ्रेंड है, शिल्पा भी मेरी फ्रेंड है, विकास भी मेरे फ्रेंड है. और जब उनको मैंने बिग बॉस में देखा था तो वो लोग, शिल्पा ऐसी ही थी जैसी वो है रियल लाइफ में. हिना भी, देखिए हिना भी मुझे बहुत अच्छी लगी बिग बॉस में. अपने लिए लड़ना कोई बुरी बात नहीं है. तो हिना भी बहुत अच्छी थी, शिल्पा भी बहुत अच्छी थी, और विकास तो माइंड ब्लोइंग था. राखी जी, आपकी एक फिल्म जो बाबा राम रहीम पर भाई साहब बना रहे थे, तो कहाँ तक पहुँचे हुए थे? जी देखिए, राम रहीम पर फिल्म बना रहे थे, लेकिन वो हनीप्रीत की मौत की धमकी आई तो मेरा जो प्रोड्यूसर वो भाग गया. वो आधी पड़ी है, डर गया पूरी से, डर गया, मैं नहीं डर. बट मैं डेफिनेटली एक अच्छा प्रोड्यूसर ढूंढ रही हूँ, जो आधी पिक्चर पड़ी है उसको पूरी बनाने के लिए. आपने एक आइटम सॉन्ग भी किया? सब लोग काफ़ी धमकियाँ दे रहे वहाँ से, तो मैं धमकियों से नहीं डरती, मैं उनको बना के रहूँ. देखिए, मैं अभी कुछ नहीं कहूँगी, मैं अंदर फैशन शो देखने जाऊँगी. किसी फिल्म के बारे में नहीं किया.